हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम तक राजस्थान डीआर टी चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए दोस्तों, बात करते हैं आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान में कैसा रहने वाला है मौसम और किन किन जिलों में होने वाली है बारिश की गतिविधियाँ। साथ ही बात करेंगे अगले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के किन किन जिलों में होने वाली है भारी बारिश की गतिविधियाँ और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के लिए किन किन जिलों में जारी किया है रेड अलर्ट। ये संपूर्ण जानकारी आपको इसी वीडियो में दी जाएगी, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो वर्तमान में देखा जाए तो संपूर्ण भारत में कौन कौन से मौसमी सिस्टम हैं। मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक लो प्रेशर एरिया वर्तमान में बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास बना हुआ है। यह धीरे धीरे देखा जाए तो उत्तर पश्चिमी दिशा में आगे बढ़ने की संभावना है। इस सिस्टम के प्रभाव से राजस्थान के पूर्वी भागों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियाँ देखने को मिल सकती हैं। एक सर्कुलेशन की बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के उत्तरी भागों से सटे हिमालय क्षेत्रों के आसपास बना हुआ है और एक कमजोर सक्रिय WD उत्तरी हिमालय के क्षेत्रों के करीब पहुंच चुका है, जिसके प्रभाव से आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर पंजाब हरियाणा राजस्थान के उत्तर पश्चिमी इलाकों में कहीं कहीं तेज तो कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियाँ देखने को मिलेगी। विशेषतर राजस्थान के उत्तरी इलाकों में श्रीगंगानगर से लगाकर हनुमानगढ़ बीकानेर शुरू के कई इलाकों में मध्यम से तेज तो राजस्थान के सटे पाकिस्तान के आसपास भारी बारिश की गतियाँ WD प्लस मानसूनी गतिविधियां से देखने को मिल सकती हैं। मानसून ट्रफ की बात करें तो वर्तमान में सामान्य स्थिति से हल्की उत्तरायण हो चुकी है, जो उत्तरी हिमालय क्षेत्रों के तराई इलाकों में पहुंच चुकी है, जिसके प्रभाव से अब मध्य भारत के आसपास के इलाकों में मानसून में हल्की कमजोरी नजर आएगी और राजस्थान के पूर्वी और पूर्वोत्तर दक्षिणी जिलों की बात करें तो इन क्षेत्रों में कहीं कहीं मध्यम से तेज तो कहीं कहीं इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियां मानसूनी हवाओं के रूप में देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान के दक्षिण पश्चिम इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में अरब सागरी शाखा से आने वाली हवाएं के बाद साथ घने बादल नजर आ सकते हैं और राजस्थान के सिरोही पाली राजसमंद से लगाकर जालौर बाड़मेर के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी तो सिरोही पाली से लगाकर राजसमंद के आसपास के इलाकों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं इलाकों में तेज बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान के उत्तरी इलाकों में WD के प्रभाव से मध्यम से तेज तो राजस्थान के पूर्वी इलाकों में भी आने वाले 24 से 48 घंटों के अंदर मध्यम से तेज तो कहीं कहीं इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। आने वाले 24 घंटों के अंदर राजस्थान के किन किन जिलों में होने वाली है बारिश की गतिविधियां। वर्तमान में सैटेलाइट इमेज में देखा जाए तो WD पर के प्रभाव से और लो प्रेशर एरिया के प्रभाव से संपूर्ण भारत के कई इलाकों में मध्यम से तेज तो पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में भारी बारिश की गतियां बंगाल की खाड़ी से लगाकर बिहार के आसपास से लगी दक्षिणी इलाकों से लगाकर झारखंड उड़ीसा के छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में मध्यम से तेज तो कहीं कहीं इलाकों में भारी बारिश की गतियां सुबह के समय से देखने को मिल रही हैं। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों पूर्वी इलाकों की बात करें तो इन क्षेत्रों में सुबह से ही आपको घने बादल नजर आ सकते हैं और कहीं कहीं इलाकों में तेज बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं और पाकिस्तान के बॉर्डर से सटे इलाकों में WD के प्रभाव से मध्यम से तेज तो कहीं कहीं इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियां आने वाले 24 घंटों के अंदर देखने को मिल सकती हैं। मुख्यतः शुष्क की बात करें तो राजस्थान के जैसलमेर बाड़मेर जालौर के कई इलाकों में और जोधपुर के कई इलाकों में आने वाले 24 घंटों के अंदर मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। बाकी संपूर्ण राजस्थान के जिलों में की बात करें तो कहीं कहीं हल्की से तेज तो कुछ इलाकों में खंड बारिश की गतियां तो कहीं कहीं इलाकों में तेज बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। राजस्थान के उत्तरी इलाकों की बात करें तो श्रीगंगानगर के आसपास के इलाकों में सुबह से ही आपको घने बादल नजर आ सकते हैं और हल्की बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। बीकानेर से लगाकर चूरू झुंझुनू सीकर के आसपास लगाकर अजमेर से लगाकर पाली भीलवाड़ा के आसपास के इलाकों में कहीं कहीं मध्यम तेज तो कहीं कहीं इलाकों में खंड बारिश के रूप में तेज बारिश की गतियां सुबह के समय देखने को मिल सकती हैं। उदयपुर संभाग के संपूर्ण इलाकों में आने वाले 24 घंटों के अंदर मध्यम तेज तो 24 घंटों के बाद इन क्षेत्रों में बारिश की गतियां और बढ़ती हुई नजर आएगी। कोटा बूंदी बारा झालावाड़ से लगाकर टोंक सवाई माधोपुर करौली धौलपुर भरतपुर से लगाकर अलवर के आसपास के इलाकों में भी मध्यम तेज तो कहीं कहीं इलाकों में मूसलाधार बारिश की गतियां आने वाले 24 घंटों के अंदर तो कहीं कहीं भारी बारिश की गतियां देखने को मिल सकती हैं। 24 घंटों के बाद से इन क्षेत्रों में बारिश की गतियां और बढ़ती हुई नजर आएगी। शुरू झुंझुनू से लगाकर श्री गंगानगर हनुमानगढ़ के इलाकों में भी मध्यम तेज तो कहीं कहीं इलाकों में खंड बारिश की गतियां संभावित हैं। फलोदी जैसलमेर बाड़मेर से लगाकर
लगाकर जोधपुर पाली के आसपास लगाकर भीनमाल के मध्य संपूर्ण इलाकों में आपको अरब सागरीय शाखा से आने वाले बादलों के साथ मौसम मुख्यतः शुष्क देखने को मिलेगा। बाकी संपूर्ण राजस्थान के अंदर देखा जाए तो कहीं की तेज तो पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश की गतियां आने वाले 24 घंटों तक देखने को मिल सकती है और 24 घंटों के बाद इन क्षेत्रों में बारिश की गतियों में और बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो दोस्तों मौसम तक राजस्थान DRT चैनल पर अब के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।